सेवन देखिए क्या करा है। ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से 2 पत्ते उत्तर उत्तर प्रतिस्थापना के निकाले जाते हैं। अच्छा, मतलब उसमें प्रतिस्थापित करना है, एक पत्ता निकालना है तो फिर उसको रख के फिर दूसरा पत्ता निकालना, ऐसे कर रहा है। सफलता की संख्या का प्रत्यावर्तन ज्ञात करें जबकि बादशाह आना सफलता माना जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 52 ताश के पत्तों में, ताश के पत्तों में 4 बादशाह तथा 48 अन्य पत्ते होते हैं, अन्य पत्ते होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रायिकता बात करें एक बादशाह की, तो बादशाह के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/52 कट जाएगा एक बार में, ये 13 बार में, तो 1/13 इसकी प्रायिकता होगी एक बादशाह की। अच्छा, अगर एक अन्य पत्ते की प्रायिकता की बात करेंगे, एक अन्य पत्ता बादशाह को छोड़कर, तो उसका हो जाएगा 48/52। ठीक है, तो काट सकते हैं 4 से 2/48, 47/52, 12/13। अब इसके बाद देखिए, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि माना x एक चर मान है जो जो बादशाह 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 की संख्या को व्यक्त करता है। तो जब आप 2 पत्ता निकालेंगे तो हो सकता है कि एक भी बादशाह ना निकले, एक निकले या दो निकले, यही ना होगा जी, 2 पत्ता में से हो सकता है एक भी बादशाह ना हो, चाहे एक हो चाहे दो हो। तो अगर x=0 पर देखे तो शून्य बादशाह निकलने की प्रायिकता, शून्य बादशाह, तो 2 को पत्ता निकालना और दोनों बादशाह नहीं है। तो पहला पत्ता मान लो बादशाह नहीं निकला है तो उसकी प्रायिकता 12/13, दूसरा भी बादशाह नहीं निकल रहा है तो 12/13, यानी कि आ जाएगा 144/169। फिर अगर हम लोग x=1 पर देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक बादशाह आने की प्रायिकता। तो एक बादशाह क्या है, एक बादशाह आने की प्रायिकता हमें निकालनी है, समझिए। तो एक बादशाह यानी कि हो सकता है हम लोग पत्ता निकालें, पहला जो है पहला वह बादशाह आ जाए तो उसकी प्रायिकता 1/13, और दूसरा बादशाह नहीं है तो उसका 12/13। ठीक है, और प्लस हो सकता है कि पहला बादशाह नहीं है और दूसरा वाला बादशाह आ जाए तो उसका 1/13। ठीक है, तो यहाँ 12/169 और फिर प्लस 12/169 जोड़ देंगे, 24/169 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग प्रायिकता बात करें x=2 पर, यानी कि दो बादशाह की प्रायिकता, 2 पत्ता निकाला और दोनों बादशाह हो गए, तो पहला बादशाह दूसरा भी बादशाह, यानी कि 1/2 यहाँ से आ जाएगा 169। ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रायिकता बंटन यहाँ तक दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, चर मान यहाँ x ले लेते हैं और उनकी संगत प्रायिकताएं लिखते हैं 0, 1, 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसका था 144/169, इसका आया है 24/169 और फिर इसका है आपके पास 1/169, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर